पूरी दुनिया में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं भारत में संक्रमण के मामले रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,60,960 नए कोरोना केस आए हैं और 3,293 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 2,61,162 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को देश में 3,23,023 नए केस आए थे। बीते 3 दिनों में देश में 1 मिलियन से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक क्रमशः 3,52,000, 3,23,000, 3,60,000 और केस दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा दुनिया के किसी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 1,79,97,267, कुल डिस्चार्ज 1,48,17,371, कुल एक्टिव केस 29,78,709, कुल मौतें 2,01,187। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.12% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 82% है। एक्टिव केस बढ़कर 16% से ज्यादा हो गए हैं। 27 अप्रैल तक देश भर में 14,78,27,367 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 25,56,182 टीके लगे हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।